हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशिका ऑनलाइन सोल्यूशन पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन फॉर्म 2024 का आवेदन कैसे करें, क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आवेदन करने में भी कोई असुविधा ना हो। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आप 8 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो दोस्तों एग्जाम डेट यानी कि प्रवेश पत्र की डेट दी गई है, 10 मार्च 2024 तक प्रवेश पत्र जारी किया जा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ग्रुप दी गई है और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी ग्रुप के में आवेदन करने के लिए। दोस्तों, पहले तो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि ग्रुप ए के लिए है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, 3 वर्षों का है। आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10वीं पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप 10 पास है तो दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, ग्रुप ई है, ग्रुप एफ है, ग्रुप जी है, और दोस्तों ग्रुप एच है, ग्रुप आई है, ग्रुप के है। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रुप दिए गए हैं, आप एक बार क्वालिफिकेशन जरूर देख लें कि किस ग्रुप के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसी के बाद ही दोस्तों फॉर्म को भरें। अब दोस्तों हम एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, यानी कि जो फीस लगने वाली है फॉर्म भरने के लिए। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 300 रुपये का शुल्क दिया गया है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। दोस्तों आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, अगर आप इलिजिबल होते हैं तभी फॉर्म को अप्लाई करें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इसका आवेदन कहां से कर सकते हैं। दोस्तों, आप आवेदन करने के लिए गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं यूपी जीकैप। तो दोस्तों आप इसको गूगल पे सर्च कर ले, यहाँ आप सर्च करते हैं तो आपको जीकैप की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज में आपको मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो न्यूज एंड इवेंट में आपको ऑप्शन मिल जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन शेड्यूल दिया है जीकैप पार्ट। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन शेड्यूल यहाँ पे दिया है, आपको इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको शेड्यूल मिल जाता है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों साइड में आते हैं तो आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड दिखाई देता है। यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जीकैप 2024। तो दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे नीचे दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर जीकैप पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो दोस्तों अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो दोस्तों आप इस पे क्लिक करके अपना फॉर्म कम्प्लीट करें। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप लॉग इन या रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आ जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। दोस्तों इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कुछ मिल जाते हैं, आप इसको जरूर पढ़ लें। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको एग्री का ऑप्शन मिल जाता है, आप एग्री पे क्लिक करें। एग्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है। पहले तो अपना नाम भर लें, फिर फादर्स नेम भर लें, फिर दोस्तों यहाँ पे मदर्स नेम भर लें, फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है उसको भर लें, जेंडर सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ आगे दिया है कि उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करके आगे बढ़े। यानी कि दोस्तों आपको अब दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मैं यानी कि आपको यहाँ पे एक विकल्प चूज करना होगा, मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ। अगर आप सहमत है तो आप इस पे क्लिक करते हैं, तो इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आगे आधार नंबर डालना पड़ता है। फिर दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर डाल लें, जो भी आपका आधार नंबर है, फिर मोबाइल नंबर डाल लें, फिर ईमेल आईडी भर लें। फिर इसके बाद दोस्तों आपको पासवर्ड बनाना होता है, पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 से 13 करेक्टर लॉन्ग पासवर्ड आपका होना चाहिए। उसमें दोस्तों आप एक अपर केस अल्फाबेट, एक लोअर केस अल्फाबेट और एक नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप स्पेशल करेक्टर का भी इस्तेमाल करके पासवर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों पासवर्ड बना के कन्फर्म कर लें, उसके बाद सिक्योरिटी पिन दी गई है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को डाल के सबमिट करें। अब दोस्तों डिटेल्स देख लें, अब आपको आधार वेरीफाई करना होता है, नीचे आपको वेरीफाई आधार पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आपका आधार वेरीफाई हो जाता है, अब आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजी जाती है, ओटीपी दोस्तों को दोनों को डाल के कैप्चा कोड भर के फिर वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करके फाइनल करें। अब दोस्तों यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, अब आपको दोस्तों इतने स्टेप्स फॉलो करने हैं आगे फॉर्म भरने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें,
यहाँ पे दोस्तों आपने जो डिटेल्स नहीं भरी हैं आपको वही भरनी है। पहले तो आप स्टेट एलिजिबिलिटी चेक कर लें, राष्ट्र की पात्रता यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करें, यहाँ पे डोमिसाइल आप यूपी पे क्लिक करें, अगर आप अदर यूपी के नहीं हैं तो आप अदर देन उत्तर प्रदेश करें, फिर दोस्तों अगर हैं तो यस करें डोमिसाइल पे। फिर दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज करनी है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसको चूज कर लें, जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, तो जो भी कैटेगरी है आपकी उसको चूज कर लें। फिर दोस्तों यहाँ पे सब कैटेगरी मिल जाती है, सब कैटेगरी अप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉट अप्लीकेबल कर दें। फिर अदर इंफॉर्मेशन है इसको आप अपने हिसाब से यस या नो कर सकते हैं, निवास क्षेत्र क्या है, रूरल है या ग्रामीण है या शहरी है, तो दोस्तों आप उसको सिलेक्ट कर लें, क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। फिर दोस्तों आपको देखना है कि आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप ए के लिए करना चाहते हैं तो ए पे क्लिक करें, ग्रुप बी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि ग्रुप बी टू के में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रुप ई टू ई टू ई वन ई टू है दोस्तों, आप यहाँ पे बायो या मैथ आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप ग्रुप को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करें। आप दोस्तों आपको हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भरनी है, पास स्टेटस पास है या अपीयर है आप उसको सिलेक्ट कर लें, पास है तो पास करें, अपीयर है तो अपीयर करें, पास है कब पास है उसको आप सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे रोल नंबर क्या है उसका भर लें, बोर्ड क्या है आपका उसको भर लें यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोर्स या स्ट्रीम क्या है आप उसको सिलेक्ट कर लें, रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है, मैक्सिमम मार्क कितना है, टोटल कितना नंबर है और प्राप्तांक आपका कितना है उसको यहाँ पे भर लें, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करें। अब दोस्तों आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना होता है, यहाँ पे प्रीमाइस नंबर है, विलेज नेम है, जो भी है आप डाल सकते हैं, सब लोकलिटी है, कॉलोनी है, पुलिस स्टेशन है, इनमें से आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे लोकलिटी सिटी टाउन विलेज पोस्ट ऑफिस जो भी है आप उसमें उसको डाल दें, कुछ भी डाल दें, कंट्री सिलेक्ट कर लें, स्टेट अपना सिलेक्ट कर लें, फिर आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें जो भी है आपका, उसके बाद पिन कोड क्या है उसको भर लें। फिर आगे दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है परमानेंट एड्रेस, तो दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस तो सेम एज पे क्लिक करें, अलग अलग है तो दोस्तों आप अलग अलग डिटेल्स भर के सेव एंड नेक्स्ट करें। अब दोस्तों आपको एग्जामिनेशन सिटी प्रेफर करनी होती है, यहाँ पे चार आपको सेंटर मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से प्रेफर कर लें कौन सा सेंटर आप यानी कि किस सेंटर को चूज करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करें। अब दोस्तों आगे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, फोटो की साइज 15 से 200 KB में होनी चाहिए, सिग्नेचर की साइज 15 से 200 KB चाहिए, तो दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करें। अब दोस्तों फोटो और सिग्नेचर सब सही है तो दोस्तों आप सेल्फ वेरीफाइड पे क्लिक करें, इसके बाद फाइनली सबमिट करें, दोस्तों डिटेल्स देख लें सब सही डिटेल्स हैं तो दोस्तों सेव एंड फाइनली सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर लें। दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है लगभग, अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी फी पे क्लिक करके पेमेंट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट मोड आप पेमेंट पे क्लिक करना होगा और ऑनलाइन पेमेंट पे कुछ चूज करना होगा, फिर आपको पे फी पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको SBI ईपे का ऑप्शन मिल जाता है, ICICI बैंक पेमेंट का मिल जाता है, आप दोस्तों इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से क्लिक करना चाहते हैं यानी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई पे क्लिक करें, जनरेट क्यूआर पे क्लिक करके क्यूआर जनरेट करके पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करें, जो भी आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है आप उसके माध्यम से पेमेंट कर ले, पेमेंट करने के बाद दोस्तों लॉग इन पेज पे जाए आपको आपका फाइनल प्रिंट मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपने हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर नहीं आप बना पा रहे हैं साइज तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।